दोस्तों जमाना टेक्नोलॉजी का है, जमाना मोबाइल डिवाइसेस का है, और ऐसे में अगर आप हर चीज अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं या स्टोर करके रखते हैं, इन दैट केस आपका कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल हो, कई बार वो हैंग हो जाता है या फिर उसके परफॉर्मेंस में इश्यूज आते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है क्लाउड स्टोरेज, या फिर आप सिंपली अपना कोई भी काम क्लाउड में करें, यानी आपका डेटा आपके लैपटॉप में नहीं रहेगा या फिर आपके मोबाइल में नहीं रहेगा, बल्कि क्लाउड में रहेगा जहां से आप उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बट मेरी राय में आप अपने किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल फोटोज और वीडियोस को क्लाउड में ना रखें। बट अदर देन अवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप किसी भी प्रकार के नोट्स या फिर अपना रिसर्च वर्क क्लाउड में इजीली रख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इसी प्रकार की एक सर्विस की, इसका यूज करके आप अपने प्रोग्राम्स को इजीली रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रोग्रामिंग पसंद है, आप C++ में कोडिंग करते हैं, आप जावा में कोडिंग करते हैं, आप पाइथन में कोडिंग करते हैं, यानी कि आप n नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं और उन सभी में आप कोडिंग भी करते हैं, तो इन सब के लिए आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होंगे। फिर चाहे वो सी के लिए टर्बो C++ हो, जावा हो, नेटबीन्स हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर, और अगर आप इतने सारे सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो ऑब्वियसली आपका सिस्टम कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस इश्यूज देना स्टार्ट कर देगा। तो सॉल्यूशन आज के वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, जमाना है क्लाउड का, या फिर हम बोल सकते हैं जमाना है ऑनलाइन का। आप ऑलमोस्ट हर काम ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कोडिंग तो डेवलप नहीं कर रहा हूँ, बट क्योंकि मुझे आपको डेमो देना है कि आप कैसे ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं कोड सर्च कर लूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इन सी। यहाँ पे आपको काफी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिसमें आपको फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का प्रोग्राम इजीली देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम अवेलेबल है कि आप फैक्टोरियल कैसे निकाल सकते हैं, बट हमें इसे रन करना है, तो सिंपली मैं इसे कर लूंगा कॉपी, और अब एक न्यू टैब में हम लिख लेंगे रन सी प्रोग्राम्स ऑनलाइन। अब यहाँ हम देख सकते हैं क्योंकि मुझे सी की प्रोग्रामिंग थी, तो मैंने यूज किया रन सी प्रोग्राम ऑनलाइन, और यहाँ पर आपको ऑनलाइन सी का कंपाइलर देखने मिल जाएगा जिसमें आप अपने कोडिंग को कॉपी पेस्ट करके इजीली रन कर सकते हैं। तो ये है हमारी मेन की सी फाइल, मैं आप सिंपली सेलेक्ट ऑल कर लें और अपने कोड को पेस्ट करें एंड क्लिक करेंगे रन। रन करते ही साथ साथ आपको आउटपुट विंडो में इसका आउटपुट मिल जाएगा। ये था मेरा प्रोग्राम फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, और 5 का फैक्टोरियल होता है 120। मैंने एंटर किया 5 एंड सी द आउटपुट, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। नॉट इवन दिस, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इजीली यहाँ पे रन कर सकते हैं। यहाँ पर के इंटरफेस में देखने मिल जाएगा पाइथन के कंपाइलर हैं, आर का कंपाइलर है, इसी प्रकार से SQL एडिटर है, HTML और CSS का एडिटर है, जावा के प्रोग्राम्स हैं, C++, C#, JavaScript एंड सो ऑन, यानी इसके पास मल्टीपल अलग अलग कंपाइलर हैं, आप किसी का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। अब फॉर द टाइम बिंग अगर मुझे सेम प्रोग्राम जावा में बनाना है, तो मैं सिंपली क्लिक कर लूंगा यहाँ पर जावा, और अब हम सर्च कर लेंगे यहाँ पर फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इन जावा। ओपन कर लेंगे इस वेबसाइट को जहाँ पर मुझे प्रोग्राम मिल जाएगा जावा का, और इसे भी मैं कॉपी कर लूंगा, एंड आफ्टर दैट इस जावा कंपाइलर में हमें सिंपली इसे पेस्ट करना होगा एंड रन, एंड अगेन फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इस प्रोग्राम में नंबर लिखा हुआ है 5। अब आपको अगर इसमें चेंजेस करने हैं तो आप इजिली कर सकते हैं। मुझे 5 का नहीं, मुझे 7 का फैक्टोरियल चाहिए था, मैंने कोडिंग में चेंजेस किए एंड रन। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ 7 इज 5040। तो इस वेबसाइट का यूज करके या फिर हम ऑनलाइन कंपाइलर्स का यूज करके किसी भी प्रोग्राम को डायरेक्टली यहां पर रन कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग एनी सॉफ्टवेयर इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। और जैसे मैंने यहां पर कोडिंग को कॉपी पेस्ट किया है, अगर आपको ऐसा नहीं करना, आप अपना खुद का कोड भी कर सकते हैं। एंड टू कीप इट सिंपल, मैं यहां पर एक छोटा सा प्रोग्राम बना लूंगा टू ऐड टू नंबर्स। चाहे जितने लोग भी प्रोग्रामिंग करते हैं उन सभी को पता होगा प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स कैसे बनाया जाता है इन सी। तो यहाँ पर आप चाहें तो खुद की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लिया और क्लिक करेंगे रन एंड सी द आउटपुट, एंटर टू नंबर्स, मैंने एक नंबर दे दिया 23 एंड 12 एंड सम इज 35। इस प्रकार से आप अपनी कोडिंग कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग एनी सॉफ्टवेयर, फिर चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो या फिर HTML स्क्रिप्ट हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया और यूजफुल देखने मिला होगा। एटलीस्ट अब आप अपने कंप्यूटर की मेमोरी को सेव कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर को लैग फ्री यूज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।